हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग जैसे डेली रहते हैं अच्छे खुश, और आज भी वैसे ही होंगे। हमारा सेम वही चैप्टर चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के जो क्वेश्चन है इससे पहले वाली वीडियो में वो जरूर देखना। इन क्वेश्चन के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? तो वहां से काफी हेल्प मिलेगी आगे के आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपके लिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। अच्छा, 2x2 की मैट्रिक्स हमें पहले कंस्ट्रक्ट करना है। चलो भाई, यहाँ पे कर लेते हैं। पहले एक 2x2 की मैट्रिक्स हम लोग पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? 2x2 यानी कि 2x2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 2x2 की मैट्रिक्स देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसे ऐसे होता लिखते हैं, वैसे ऐसा है, 1 1 और 1 2, फिर 2 1 और 2 2, ऐसे। अब ये कैसे लिखा मैंने, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट देखना बहुत जरूरी है। ये मैंने कैसे लिखा, 1 1 1 2, 2 1 2 2, ये कैसे लिखा, इसके लिए आप लोग को इंट्रोडक्शन का पार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखो मेरी कैसे बन गई मैट्रिक्स, ये मेरी मैट्रिक्स बन गई देखो 2x2 की मेरे पास मैट्रिक्स बन गई। 2x2 की मेरे पास देखो मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है? अब इस 2x2 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि मेरे को i और j की वो वैल्यू सारी जो वहां पे देखो बना रखी है ना, 1 1 1 2, 2 1 2 2, वो सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के तो जो मेरे को नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, aij। अब aij यानी कि पहले रो में पहला कॉलम, तो ए आई जे का मतलब पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि पहला होता है रो और दूसरा होता है हमारे पास कॉलम, रो और कॉलम। तो अब रो और कॉलम यानी कि पहले पहले एलिमेंट में ये क्या है, पहला रो पहला कॉलम, तो यानी कि आई और जे दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 1। तो 1 1 होगी, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 1 प्लस 1 अपॉन 2, और इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 अपॉन 2, तो यानी कि क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 मिलेगा, ठीक? इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, 1 और 2, यानी कि जहां पे आई है वहां पे 1 रख दो, जहां पे जे है वहां पे 2 रख दो। मतलब ये देखो ना, इस एलिमेंट मतलब ये पहली रो में दूसरे कॉलम में, पहली रो का दूसरा कॉलम है, इसका मतलब ये हुआ। तो यानी कि आई की जगह पे 1 रखो और जे की जगह पे 2 रख लो, फिर यानी कि यहाँ पे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर दो, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 अपॉन 2, कुछ ऐसा मिलेगा। फिर इसके बाद a21 यानी कि a21, इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 मतलब रो, अब की बार रो की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, यानी कि रो की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 2, और कॉलम की जगह पे रख दूंगा 1, तो यानी कि यहाँ पे रख दो 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है? तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 2 लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद मेरे पास बचा है a22, a22 का मतलब कि i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी मेरे को 2। पहले तो देखो मैंने क्या बनाया था, एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाया मैंने, 2 रो है और 2 कॉलम है। अब इसमें जितनी भी ये वैल्यू है ना i j की, वो सारी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, और देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 अपॉन 2 कितना होता है 8। तो यानी कि इस फॉर्मूले में की हेल्प से हमें एक मैट्रिक्स मिल गई है, और जो मैट्रिक्स मिली है हमें देखो वो मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले रखो 2, उसके बाद क्या रख दो 9 अपॉन 2, उसके बाद क्या रख दोगे फिर 9 बाई 2, उसके बाद क्या रख दोगे 8। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या था, कंस्ट्रक्ट करो अ 2x2 मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन, ए आई जे इज इक्वल टू ये। तो पहले सबसे पहले 2x2 की एक मैट्रिक्स हमने बना ली है। जैसे 2x2 की आप एक जो है मैट्रिक्स बना दोगे, तो वहां पे देखो जो पहला आई शो करता है रो को और जे शो करता है कॉलम को, तो ये रो है ये कॉलम है, रो कॉलम रो कॉलम रो अब कॉलम, ठीक? यानी कि जहां पे आई और जे है वहां पे वो सारी वैल्यू रख के आप लोग क्या कर सकते हो,
ये निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसको नोट करिए। ओके, तो चलो पहला पॉइंट हो गया, क्वेश्चन नंबर चार का पहला पॉइंट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर चार का दूसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले सब सेम वही चीज कंस्ट्रक्ट करनी है हमें भैया। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? 2x2 की एक मैट्रिक्स पहले हमें कंस्ट्रक्ट करके देखना है। तो 2x2 का यानी कि 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2, ठीक है। 2x2 की एक मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमें उठा के आई और जे की जो भी वैल्यू है ये, ठीक है, ये उठा के सारी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे चलो करते हैं, पहले आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी यानी कि 1। तो आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, यानी कि 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, आई और जे जैसा भी बताया था ना, ए आई जे, ये रो को डिनोट करेगा और ये कॉलम को डिनोट करेगा। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो यानी कि आई की जगह पे 1 रख दो, इसकी जगह पे 2 रख दो, तो 1/2 इसका मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, 2 और 1, रो की जगह पे 2 रखो, कॉलम की जगह पे 1 रखो, तो 2 यानी कि 2/1 यानी कि 2 मिलेगा। इसी तरीके से 2, 2 यानी कि रो की जगह पे भी 2 रखो, कॉलम की जगह पे भी 2 रखोगे, तो 2/2 करके क्या जाएगा मेरे पास, 1। तो जो इस फॉर्मूले में रखे जो हमें नया मैट्रिक्स जो मिल रहा है, देखो वो कैसा मिल रहा है, वो कुछ ऐसा मिल रहा है, 1, 1/2, 2 और 1, देखो कुछ ऐसा मिल रहा है हमें, ठीक है। तो 2x2 कंस्ट्रक्ट करके हमने ये सारी वैल्यू उठा के आई जे की में रख दिया, इसके हेल्प से हमें जो मैट्रिक्स मिला वो कुछ ऐसा मिला, ठीक है। सो इसको नोट करो। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला और सेकंड पार्ट तो मैंने करवा दिया है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, बिल्कुल जैसा पहला और दूसरा पार्ट करा है सेम वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट भी वो अपने प्रैक्टिस के लिए करना है। और इसके जो भी आंसर रहेंगे वो आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। ओके बाय।